नमस्कार भक्तजनों, हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम कबीर ज्ञान लेके आए हैं और आशा करते हैं यह प्रोग्राम जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसमें हम आपको ज्ञानवर्धक कबीर जी के दोहे सुनाते हैं। इन दोहों का अर्थ सहित वर्णन करके आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोतागणों को यह प्रोग्राम बहुत ही पसंद आए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जल में बसे कुमोदिनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कमोदरी, चंदा बसे आकाश। जो है जाका भावता, सोता ही के पास कबीरा, सोता ही के पास। कमलिनी जल में रहती है और जिसके प्रकाश से वह खिलती है उसका वह प्रेमी दूर आकाश में रहता है, लेकिन प्रेमियों के बीच यह दूरी कोई मायने नहीं रखती। सच्चा प्रेम आत्मिक होता है जो सदा पास रहता है। आगी आंची सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार। आगी आंची सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार। नेहनी बाहन एक रस, महाकठिन व्यवहार कबीरा, महाकठिन व्यवहार। अग्नि का ताप सहा जा सकता है, तलवार की धार पर भी चला जा सकता है, लेकिन प्रेम को एक लय से निभाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि समय के साथ साथ इसका रूप परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। प्रीति पुरानी न होत है जो उत्तम से लाग। प्रीति पुरानी न होत है जो उत्तम से लाग। सब बरसा जल में रहे, पत्थर छोड़े ना आग कबीरा, पत्थर छोड़े ना। सद्गुणी से किया गया प्रेम कभी पुराना नहीं पड़ता, अर्थात उसमें कभी कमी नहीं आती है। जैसे पत्थर 100 वर्षों तक भी जल में पड़ा रहे तो भी उसकी भीतरी आग नहीं बुझती, उसे दूसरे पत्थर से रगड़ने पर चिंगारी ही पैदा होती है। हाँसी खेल हराम है जो जन रमते राम। हाँसी खेल हराम है जो जन रमते राम। माया मंदिर स्त्री नहीं साधु का काम कबीरा, नहीं साधु का काम। जिसका मन राम नाम में रमा हो उसके लिए हंसी खेल और मनोरंजन की वस्तुएं हराम होती है।
इसी प्रकार मोह माया, स्त्री का सौंदर्य और मंदिर में देव दर्शन आदि भी साधुओं के लिए व्यर्थ के आकर्षण हैं। सब वन तो चंदन नहीं, शूरा के दल है नाही। सब वन तो चंदन नहीं, शूरा के दल नाही। सब समुद्र माती नहीं, यों साधु जग माही कबीरा। संसार के सारे वन चंदन के नहीं हो सकते, सभी शूरवीर नहीं हो सकते और सभी समुद्र मोती से भरे नहीं हो सकते। इसी प्रकार सभी साधु ज्ञानवान नहीं हो सकते, ऐसा कबीर जी ने बहुत ही सुंदर इस दोहे में कहा। कबीर हमारा कोई नहीं, हम कहू के नहीं। कबीर हमारा कोई नहीं, हम कहू के नहीं। पार पहुँची नाव जो मिल के बिछुरी जाही कबीरा, मिलके बिछुरी जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि न तो हम किसी के हैं, न कोई हमारा है। जैसे नाव में बैठे लोग किनारों पर पहुंचते ही एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही मोह माया का यह बंधन क्षणिक होता है, एक न एक दिन सभी को बिछड़ना ही पड़ता है। संत समागम परम सुख, जान अलप सुख और। संत समागम परम सुख, जान अलप सुख और। मान सरोवर हंस है, बगुला ठोरे ठोर कबीरा, बगुला ठोरे ठोर। संतों के बीच ज्ञान की बातों में समय बिताना सबसे बड़ा सुख है, इसके अलावा सभी सुखहीन हैं। स्मरण रखें, हंस केवल मानसरोवर में मिलते हैं और बगुले तो गली गली देखे जा सकते हैं, अर्थात ज्ञानी जन कठिनाई से मिलते हैं और उनके साथ बिताया समय अमूल्य होता है, उसका कोई भी मोल नहीं होता।